नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदिश में। दोस्तों, CMD सर की ऑडियो आई हुई है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों, कीबो में एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है जिसका बहुत दिनों से सभी लोग नाम सुन रहे थे, सरेंडर अकाउंट। तो दोस्तों, सरेंडर अकाउंट का ऑप्शन आ गया है। मैं आपको बताने वाला हूं कि सरेंडर अकाउंट क्या है और इसे कौन लोग कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कीबो से रिलेटेड हर जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं अपनी आईडी लॉगिन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि सरेंडर अकाउंट। दोस्तों, मैंने अपनी आईडी को लॉगिन कर दिया है। अब आप यहां पर देख रहे हैं, यह स्विच यूजर का ऑप्शन है और उसके नीचे आप देख रहे हैं यह सरेंडर अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, सरेंडर अकाउंट। दोस्तों, यह रेड कलर का है। दोस्तों, जिस आईडी पर आपने सेलेबल क्वाइन, जो रजिस्ट्रेशन करते हुए सेलेबल क्वाइन मिली थी, उस सेलेबल क्वाइन को अगर आपने किसी आईडी पर आपने ट्रांसफ़र कर दिया है तो आपका जो अकाउंट है वह सरेंडर नहीं होगा। यानी जिस तरह से आपने आईडी लगाई थी, अगर उसी तरह से अकाउंट है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, जो उस पर मिलने वाली सेलेबल क्वाइन भी उसी तरह से है, जो रजिस्ट्रेशन क्वाइन मिली थी वह भी उसी तरह से है, तो दोस्तों वह उस अकाउंट को आप सरेंडर कर सकते हैं। और वह रेड कलर का नहीं, वह ग्रीन कलर का होगा। और जो ग्रीन कलर का होगा उसी अकाउंट को आप सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको पहले 3 लाइन पर जाकर KYC कंप्लीट करनी होगी, जो ओल्ड न्यू और KYC अपडेट। जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तभी आप अपने अकाउंट को सरेंडर कर पाएंगे। उसके लिए जब आप KYC कंप्लीट कर लेते हैं तो इस सरेंडर अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा और कंफर्म करना होगा। जैसे ही आप कंफर्म कर देते हैं, आपका अकाउंट सरेंडर हो जाएगा और आपको आपके 500 रुपये, जिसको आपने कंपनी को दिया है, वह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और जो आपकी आईडी लगने पर आप 25 लेवल पर क्वाइन डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, वह क्वाइन वापस हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से यह सरेंडर अकाउंट का जो डिमांड थी वह आ गया है, सरेंडर अकाउंट। और दोस्तों, यह ऐसी पहली कंपनी होगी कि वो जिसमें कंपनी जो आईडी दी है उसे वापस ले रही है और उसके पैसे आपको रिटर्न कर रही है। दोस्तों, ऐसा MLM में यह पहली बार हो रहा है, और वो भी लीगल तरीके से, लीगल डॉक्यूमेंट पर यह सारी चीज़ें प्रोसेस हो रहा है। तो दोस्तों, जिसको लगता है कि उसने कीबो में ज्वाइन करके बहुत से कुछ खो दिया है और उसने अपनी आईडी पर कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो वह अपना अकाउंट सरेंडर कर सकता है। और दोस्तों, और अपना 500 रुपये ले सकता है। बट दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी आईडी से जो कोई भी क्वाइन ट्रांसफ़र कर ली है, तो कंपनी का मानना है कि उसने अपना जो 500 रुपये लगाया था उतना रुपए ले लिया है या उससे ज़्यादा रुपए ले लिए हैं,
इसलिए उसका अकाउंट सरेंडर नहीं हो सकता। उसका अकाउंट इस तरह से रेड कलर में शो करेगा और जिन लोगों की आईडी पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, कोई क्वाइन ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो उसका अकाउंट रेड कलर का होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एमपीसी जीरो है, बट टोटल सोल्ड सेलेबल दो, केवल इस पर टोटल सोल्ड सेलेबल दो क्वाइन है, यानी इस पर जो रजिस्ट्रेशन की दो सेलेबल क्वाइन मिली थी उसे दूसरी आईडी पर ट्रांसफ़र किया जा चुका है, इसलिए इस अकाउंट को आप सरेंडर नहीं कर सकते। और जिस पर ये ट्रांसफ़र नहीं, अगर ये क्वाइन ट्रांसफ़र नहीं होती तो यह ग्रीन कलर का होता और आप इसको अकाउंट को सरेंडर करने के लिए यूजबुल होते। तो दोस्तों, सबकी डिमांड पर और यह सीएमडी सर की दरिया दिली है कि मतलब ऐसा एमएलएम में यह पहली बार हो रहा है कि कंपनी जो आईडी को वापस ले रही है। तो दोस्तों, मैं आपको सीएमडी सर की भी आवाज़ आपको सुनवाऊंगा और आप उसे ध्यान से सुनिए, सीएमडी सर ने क्या कहा है सरेंडर अकाउंट के बारे में। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? साथियों, रेड्डी जी ने अपने वादे के अनुसार जो है सरेंडर ऑप्शन दे दिया है। इस बारे में उनका कहना है कि जिसके खाते में सरेंडर अकाउंट लाल रंग में है वो सरेंडर करने का पात्र नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसने 500 रुपये से भी अधिक जो है यहाँ पे पैसे कमा लिए हैं, गिफ्ट के रूप में, नॉन स्टेबल कैश के रूप में, और भी तरह से जो है उन्होंने पैसा कमाया है, इसलिए वो लाल रंग का जो अगर कलर में उसका सरेंडर अकाउंट लिखा हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है, और जिसका ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो एलिजिबल है। तो अभी वो रेड्डी जी कह रहे हैं कि जैसे वो उस ऑप्शन को टच करेगा उसको जो है ओके करके देना पड़ेगा, यानी कहने मतलब वो उसको स्वीकार है, और स्वीकार होने के बाद उसके डिटेल्स जो है कंपनी के पास जाएंगे, वो वहाँ चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो है अगले हफ्ते से जो है वो पैसा वापस करने का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो शुरू करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो साथियों, अभी वो कह रहे हैं कि जो पीड़ित व्यक्ति है, माने जिसने बहुत ही गाली सहा है, बड़ा बुरा सहा है अपने साथियों के लिए, जिन्होंने उसके से मिलकर जो है यहाँ 500 रुपये लगाया है, उस लीडर के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा ही ये जो है सरेंडर ऑप्शन पूरा होगा और वो 500 रुपया जो है खुद जो है वो आकर ले लेगा। तो साथियों, आने वाले समय में जो है अभी हमारे रेड्डी जो हैं यात्रा में हैं, वापस आने के बाद और भी विवरण देंगे और आपको मैं अपडेट करता रहूँगा, तो बने रहिएगा, मेरी आवाज़ को सुनते रहिएगा और फिर आगे बढ़ें। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय की वो, जय माइनेड।